करेरा कांड में नया मोड़, घटना में आरोपित बने मलखान नाई के भाई ने कलेक्टर को दिया आवेदन, कहा भाई मौके पर था ही नहीं। पुलिया बनाने के विवाद में पुलिस और जनता के बीच झड़प के दौरान हुए लाठीचार्ज में अपनी गोद में मां की गोद में बैठे 1 साल के मासूम शिवा की मौत हो गई। इसके बाद प्रदर्शनकारी देर रात तक करेरा भीतावार रोड को जाम करके बैठे रहे। मौके पर उपस्थित कलेक्टर SP प्रदर्शनकारियों को समझाते रहे और आखिर में पुलिस को शिवा की मौत के मामले में 2 SI के साथ 3 लोगों पर हत्या ST/SC एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है। इस घटना में SI राघवेंद्र यादव के सर में पत्थर लगने के कारण वो गंभीर रूप से घायल हो गए, उन्हें इलाज के लिए ग्वालियर रेफर किया गया। मामले में पुलिस ने अशोक जाटव के आवेदन पर SI अजय मिश्रा, SI जगदीश रावत और मलखान नाई के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है, लेकिन मामले में एक नया मोड़ सामने आया है। आपको बता दें कि मलखान के भाई जितेंद्र सेन ने कलेक्टर को आवेदन सौंपा है। आवेदन में बताया कि घटना के दिन उसका भाई मौके पर मौजूद ही नहीं था, वो ट्रैक्टर ट्राली बनवाने के लिए उत्तर प्रदेश गया था, जिसका सबूत टोल टैक्स का CCTV फुटेज और पेट्रोल पंप के CCTV फुटेज के साथ जिस दुकान पर वो ट्रैक्टर ट्राली बनवाने गया था उसका मालिक है, इसलिए उसके भाई का नाम FIR से हटाकर अशोक जाटा के खिलाफ झूठी रिपोर्ट लिखाने का मामला दर्ज करें। कलेक्टर को दिए आवेदन में जितेंद्र पुत्र लाला राम सेन ने बताया कि उसका भाई मलखान पुत्र लाला राम नाई ग्राम गधाई थाना करेरा घटना वाले दिन मौके पर मौजूद नहीं था, वो ग्राम चिरगांव उत्तर प्रदेश में ट्रैक्टर ट्राली बनवाने गया था, उसके साथ गांव का बंटी रावत साथ में था। मामले को लेकर ट्रैक्टर ट्राली टोल टैक्स रिक्शा पर फुटेज पेट्रोल पंप पर लगे CCTV कैमरे की फुटेज जांच कर सकते हैं, इसलिए उसके भाई का नाम FIR से हटाया जाए और जिसने FIR दर्ज करवाई है उसके खिलाफ केस दर्ज किया जाए। घटना में घायल हुए राघवेंद्र यादव पर फरियादी और उसके भाई उसके परिवार के लोगों ने हमला बोला है। मामले को लेकर जांच की जाए और आगे की कार्यवाही की जाए। मानव रामकिशन नवाब 3-4 लोग हैं। ये बच्चों के जो मृतक बच्चा है उससे क्या रिलेशन है? परिवार ही की है सब, परिवार की है। परिवार है। अच्छा, और कोई है आप लोग में से कोई इस तरह की बात? तो मतलब इसका मतलब ये है कि वो पुरुष ही शातिर है, शुरू से ही अपने पगाते इस तरह से राजीनामा करते हैं, पैसे लेते हैं, बाद में ये उनका काम, उनका उनने धंधा बना रखा है। आपसे भी डिमांड की थी पैसों की? हमने नहीं दिए पैसे ऐसे कुछ। उनका बच्चा क्या बीमार था क्या? पहले से बीमार था सर, उसके दिल में छेद था। डॉक्टरों का इलाज चल रहा था पहले से सर, क्योंकि छोटा गांव है सभी लोगों को मालूम है, वो तो इसके यहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं है वो सब पता चल जा रहा है। वो बता रहा है 1.5 साल का था, 1 साल का पूरा नहीं है, 6-7 महीने का। इसीलिए उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। 9 तारीख को जो घटनाक्रम घटा उस दौरान प्रत्यक्षदर्शी कौन था? कोई था क्या आप में से? सभी लोग थे। आपने देखा था? नहीं, वहाँ जैसे हमने देखा कि जो बच्चे को लेके जा रहा है घर में से लपेट के लेके गया है अपने बच्चे को। अच्छा, कौन लेके था लपेट के? अशोक जाटव। अच्छा, ये उसका भी पिता है? हाँ, वो लेके गया घर में। पहले वहाँ जब पुलिस वालों में जब उनपे जब खून खाची हुई तो वहाँ से भाग के गया घर, घर से उसने अपने बच्चा को उठाया। बस बात प्रूफ जो होगा कि उस टाइम पे मोबाइल नहीं था जिससे कि उसकी वीडियो बनाई जा सके। घटना स्थल पे बच्चा नहीं था? बच्चा नहीं था, बच्चे ने ले जाके पटका है वहाँ, उनने ले जाके बच्चा पटका अपनी मतलब उसकी माताजी के उसमें। अभी आप क्या मांग कर रहे हो यहाँ? मांग यही कर रहे हैं सर कि निष्पक्ष जांच की जाए और हम उन जो दोषी अगर हम हैं तो हमें सजा दी जाए, अगर हम दोषी नहीं हैं तो बिल्कुल निष्पक्ष जांच करके हमें मतलब हमारी सहायता करें। मलखान सेन जी जो मलखान सेन जी है ना, वो घर पे भी नहीं थे, घर नहीं थे, उनका जो गलत इंजाम आ रहा है वो नहीं आए। चलो ठीक। वहाँ ये है कि जो अभी 9 तारीख की घटना है वहाँ जाटव समुदाय के लोगों ने फर्जी मतलब बच्चे का अपने हाथों से मारकर और हम लोगों मेरे भाई पे मलखान सेन पे झूठा केस लगाया हुआ है, जो कि मेरा भाई वर्तमान में घर नहीं था, चिरगांव गांव ट्रॉली के माध्यम से गया हुआ था ट्रॉली बनवाने, जिसको आप उसके लिए का गए और वहाँ पे फिर जब लोग पुलिस भी थे तो उनको भी उनने मारा पीटा। एक साहब हैं राघवेंद्र यादव जी, उनका सिर फोड़ दिया है, पत्थरबाजी की लाठी मारी उन लोगों ने। हाँ, तो बच्चे की मौत कैसे हुई? बच्चे की मौत तो सर उनने पटक के की है सर। अच्छा, हाँ, तो यानी कि पुलिस वालों ने तो पुलिस का तो झूठा नाम ले रहे हैं कि पुलिस वालों का उसमें कोई दोष नहीं है। पुलिस वालों तो इनने जो जो उधम कर रहे थे सड़क पर उसको लेकर समझाने को पहले तहसीलदार महोदय गई,
उनको इनने अभद्रता की, उनसे बदतमीजी की, वो उस पे तो जब उनके बदतमीजी की तो उनने पुलिस का सहारा लिया, तब पुलिस वहां गई, पुलिस ने उनको समझाया, तो इन लोगों ने अपना बच्चा मार के पुलिस को फंसाया और फिर पत्थर जिनने पहले पुलिस को मारे, जब उनके सिर फूट गए तो इनने खुद को बचाने के चक्कर में अपने बच्चे का इस्तेमाल किया। अच्छा, आपके भाई पे क्यों आरोप? हमारी 2 साल पुरानी रंजिश है जिसको लेके आज भी हमारा वो केस चल रहा है जिसपे जिनने मेरे भाई को फंसाया है। किस बात की रंजिश थी? वो ये पाइप पे क्या हर बार जो पानी डालते हैं और पानी निकालने के जब जी सरकार को रोक सकते हैं तो हम तो कोई भी नहीं है, पूरे गांव का पानी हमारे द्वारे पे आता है तो हर बार सड़क को खोदते हैं, वहाँ खोद कर पानी निकालते हैं क्योंकि घर गिरने की सीमा हो जाती है, घर गिरने की नौबत आ जाती है, तो उस चक्कर में इनने हमें झूठा जब खोदा था तो इनने अपने हाथों से अपना सिर फोड़ के हम पे झूठा मुकदमा दर्ज कराया था, तो उस टाइम पे भी मतलब उस पुरानी रंजिश है। अच्छा, इसमें एक बात आ रही है, वो ये आरोप लगा रहे हैं कि एस्टीमेट में ये पुलिया यहाँ से नहीं है, तो ये क्या बात? नहीं, पुलिया सर ये तो पुलिया तो वहाँ है, पाइप है, पुलिया नहीं, वहाँ पुलापे गिरने थे, छोटे छोटे पाइप गिरने थे। अच्छा, पुलिया नहीं, पुलिया नहीं थी, पुलापे थे, उनको भी रोक दिया। नौबत मतलब जाटा समुदाय के लोगों के भी घर मतलब गिरने की नौबत आ जाती है। अच्छा, इतना पूरे में पानी भर जाता है, आदमी छतों पर चढ़ते हैं। वहाँ लोकल के आपके विधायक हैं वहाँ से, रागीलाल जाटव जी, कांग्रेस विधायक, उपचुनाव में ये जीते हैं, तो उनको आपने बताया नहीं आपके विधायक? क्योंकि उनको हमने अवगत भी कराया, वो जी बोलते रहे, मैंने कहा कि यहाँ पे पाइप डला, बोले पाइप गिरेंगे यहाँ, और बरसात में हर बार उनने देखा भी है, तो उनने कहा यहाँ परेशान होते हैं तो हर बार पाइप यहीं गिरेंगे, उनने भी जो बोला था, पर ये लोग उनकी भी नहीं माने। अच्छा, विधायक की भी नहीं माने, विधायक पे भी ये हावी रहे। अच्छा, हाँ ऐसा है, तो बाकी के और लोग भी आपके संग आए, तो ये आप लोगों का क्या कहना है? यही कहना है, सबकी राय यही है। अच्छा, हमारी यही होता है ना सर। और सर किसी को भी झूठा लगाने का मुकदमा किसी पे भी लगवा देते हैं। अच्छा। अभी एक महीने पहले एक रावत जी हैं, मास्टर जी, उन पर उनने अर्जन एक्ट लगाया, झूठा लगाया, जो कि झूठा बेचारे उनका, वो सुबह 10 बजे पढ़ाने निकल जाते हैं, जो कि उनका कोई लेना देना भी नहीं है, उन पर भी हरनाम सिंह रावत जी, उन पर झूठा केस लगाया उन्होंने अर्जन एक्ट का। अच्छा, उनके घर से? नहीं, उनके घर से कोई नहीं आया। आपका शुभ नाम क्या बताया? मेरा जितेंद्र सिंह। अच्छा, और इनके दिमान सिंह रावत जी, किस बात को लेकर? कुछ नहीं, मेरे कपड़ा डालो, कपड़ा मेरे पहले